नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि डेयरी फार्मिंग जब एक किसान करता है तो उसे यदि डेयरी फार्म को सक्सेसफुल करना है तो उसमें उसे खुद प्रयास करना चाहिए। तो इन्हीं प्रयासों में से एक प्रयास ये होता है कि यदि हम फार्म कर रहे हैं तो फार्म में हमें जो है अपनी बछड़ियाँ तैयार करना बहुत ज़रूरी है। जब तक एक किसान अपने घर की बछड़ी तैयार कर कर नहीं जनाता है तब तक उस किसान को फार्म में कोई अच्छा खासा मुनाफा नहीं हो सकता है। तो इसी को लेकर हम लोगों ने भी पहल की है। जैसे अभी आप लोगों को पता है कि हमारे घर की बछड़ियाँ तैयार कर रहे हैं हमारे फार्म पर, और बछड़ियाँ हम जो है ब्रीड में कर रहे हैं, मतलब कि अब जनरेशन रेडी करने का समय आ गया है। क्योंकि आज हम मार्केट में गाय खरीदने जाते हैं तो मार्केट में यदि हम एक 20 लीटर पर डे की गाय खरीदेंगे तो आपको 80 से लेकर लाख रुपए के बीच तक की गाय मिलेगी, और उसका कोई आगे पीछे का आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। सामने वाला तो आपको केवल यही कहेगा कि हाँ 20 से 25 लीटर पर डे का ये दूध दे देगी, अभी हमारे वहाँ 20 दे रही है, आपके वहाँ जाके ये 25 लीटर अच्छी खिलाई से दूध दे देगी। प्रत्येक जो गाय बेचता है इंसान वो यही कहता है कि हमारे वहाँ इतना दे रही है और आपके घर जाकर जो ये गाय है इससे ज़्यादा ही दूध देगी। पर होता कुछ और है। जैसे हम हमारे फार्म पर फिर गाय जब खरीद कर लाते हैं तो उसके बाद वो जितना दूध बताया उतना ही दूध नहीं दे पाती, ज़्यादा देने की तो बात दूर ही रह जाती है। और जितना दूध उन्होंने बताया उतना दूध निकालने के लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कई बार तो गाय फेल भी हो जाती है, तो वहाँ हमारा जब नुकसान हो जाता है। पर वही हम 80,000 से 1,00,000 रुपया यदि हमारे फार्म की बछड़ियाँ तैयार करने में लगा दें तो उनके आगे पीछे का रिकॉर्ड हमें पता होगा, उनके माँ बाप का रिकॉर्ड पता होगा कि हमने ये कौन सी गाय से इस बछड़ी को जो है लिया है, और इसका जो फादर है उसका क्या रिकॉर्ड है, मतलब कौन सा सीमन लगवाया था तब जाकर ये बछड़ी आई है। तो आगे चलकर माँ और बाप का जो रिकॉर्ड रहेगा उसके मुताबिक बछड़ी प्लस में दूध देगी। और ऐसा नहीं है कि फिर हम जब घर पर बछड़ी तैयार कर रहे हैं तो वो जनेगी, बीमार होगी, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसे सूट रहता है, खिलाने पिलाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे ही बछड़ी जनेगी या जनने से पहले से ही आप जो भी खिलाएंगे, क्योंकि उसके डाइट में वो सारी चीज़ें हम पहले से ही शामिल कर देते हैं जो हमें आगे चलकर उसको खिलाना है, तो उसे आगे चलकर इन सब चीज़ों की आदत सी हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती खाने पीने में। तो गाय जो है अपनी बछड़ी जब फर्स्ट टाइम में जनती है तो तुरंत दूध पे चल देती है और अच्छा खासा दूध देती है, जितनी हम उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा ही दूध देती है यदि हम प्रॉपर केयर करें। तो आज हमने सोचा कि आप लोगों को इसी पर जो है थोड़ी सी नॉलेज दी जाए कि घर पर बछड़ियाँ कैसे जल्दी से आप तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो घर पर यदि आपको बछड़ी तैयार करनी है तो उसके लिए आपको शुरुआत अच्छी करनी पड़ेगी, और शुरुआत अच्छी करने के लिए जो है आपको सबसे पहले यदि ब्रीड तैयार करनी है तो ब्रीड तैयार करने के लिए आपके पास एक अच्छी ब्रीड वाली गाय होना ज़रूरी है। जैसे कि आपके पास मिनिमम पर डे की 16 लीटर से 20 लीटर तक की गाय होना बहुत ज़रूरी है। यदि इस प्रकार की गाय में आप एक अच्छा सीमन लगवाते हैं तो आगे चलकर वो बछड़ी जिसकी माँ फर्स्ट टाइम में जिसने 18 लीटर दूध दिया होगा उसकी बछड़ी जब जनेगी तो फर्स्ट बार में आपको 20 से प्लस दूध देगी। तो इसके लिए आपको एक अच्छी माँ का चयन करना होगा। एक अच्छी माँ का चयन होने के बाद आप उसके अच्छे सीमन से, और मैं तो कहती हूँ कि यदि आपके पास परफेक्ट गाय है, एक अच्छी गाय है जो कि मतलब AI में एक बार में कंसीव कर लेती है, आप ऐसी एक गाय चुनिए और उसे खिला पिला कर अच्छा तैयार रखिए कि जैसे ही हिट में आए आप उसे सेक्स्ड सीमन लगवाइए। क्योंकि रिस्क नहीं लेना है, वरना हम प्रॉपर केयर कर लेंगे और बाद में फिर बछड़ा हो जाता है जब हम लोगों को बहुत अखरती है। तो इसके लिए आप पहले से ही एक अच्छी माँ को चयन करिए और उसके बाद एक अच्छा सा सीमन, सेक्स्ड सीमन यूज़ करवाइए और अपनी गाय को सेक्स्ड सीमन लगवाइए, ताकि आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं वो चीज़ आपको मिल जाए। उसके बाद जैसे ही आपने माँ को सीमन लगवा दिया, अब बछड़ी की केयर शुरू होती है यहीं से। अभी तक
हम लोग यूँ सोचते हैं कि जब बछड़ी पैदा हो जाएगी उसके बाद उसकी देख रेख करके उसको हम बड़ा कर लेंगे, पर नहीं। प्रॉपर केयर यदि आपको करनी है तो माँ के पेट से ही उसकी करिए, उसकी माँ की प्रॉपर डिवॉर्मिंग टाइम टू टाइम करिए, प्रॉपर उसे फीड डाइट वगैरह अच्छी दीजिए, मिनरल्स कैल्शियम विटामिन्स ये सारी चीज़ें उसे प्रॉपर दीजिए, लीवर टॉनिक वगैरह सारी चीज़ें दीजिए, कि जब हम सेक्स्ड सीमन लगवाते हैं गाय को तो बच्चा जो है बहुत हैवी होता है, तब माँ के शरीर को भी बहुत पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और इसी के साथ साथ बच्चे को भी। तो माँ हष्टपुष्ट रहेगी तो आपकी जो बछड़ी है आगे जो पैदा होगी वो भी हष्टपुष्ट रहेगी। तो पहले आप माँ की केयर करिए। अब आते हैं जब बछड़ी पैदा हो गई, बछड़ी आपकी पैदा होते से ही आधे घंटे के अंदर अंदर आपको सबसे पहले उसे जो माँ का पहला गाढ़ा दूध होता है वो पिलाना बहुत ज़रूरी है। चाहे बछड़ी खड़ी हो पाए या ना हो पाए, आप उसे भले ही बैठे बैठे दूध पिला दीजिए, पर आधे घंटे के अंदर अंदर आप उसे दूध पिला दीजिए। कितना पिलाना है, जो भी उसका बॉडी वेट है, बॉडी वेट होता है उस बछड़ी का, उसका 10% आप उस बछड़ी को पिला दीजिए, और या तो जितना वो पी सके उतना आप उसको, जब तक उसका पेट नहीं भरे आप उसे पिला दीजिए। ये जो पहला खीस होता है ये इसके लिए एक एंटीबायोटिक होता है, मतलब बीमारियों से लड़ने की क्षमता इसमें आ जाती है जब ये दूध इसके पेट में जाता है, आगे चलकर बछड़ी बीमार बहुत कम होती है। इसके बाद जैसे ही आपकी बछड़ी खड़ी होने लग जाए, अब आपको रोज उसे भरपेट दूध पिलाना है दोनों समय, मतलब कि कम से कम 3 महीने पेट भरकर उसे दूध पिलाइए, क्योंकि जब तक हम उसे 3 महीने तक प्रॉपर दूध नहीं पिलाएंगे तब तक बछड़ी जल्दी से ग्रोथ नहीं करेगी, क्योंकि 3 महीने तक जो है बच्चों का रूमन बहुत नाजुक होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, तो जिसकी वजह से हम केवल उसकी डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल करेंगे जो जल्दी से उसे डाइजेस्ट हो जाए। अब जैसे कि हमें 3 महीने तक बछड़ी को ना सूखा चारा खिलाना है ना हरा चारा खिलाना है, केवल इसे हम 1 हफ्ते के बाद से कॉफ स्टार्टर रखने लग जाएंगे, या तो आप रेडीमेड मार्केट से कॉफ स्टार्टर खरीद लीजिए, या फिर आप घर का फीड बना सके तो उसमें मक्का जरूर से ऐड करिए, गेहूं का चोकर मक्का खली, ये 2-3 चीज़ें हैं आप उसमें मिक्स करके गलाकर अपनी बछड़ी को रखना स्टार्ट कर दीजिए। पर यह बात जरूर से ध्यान रखिए कि आपको अपनी बछड़ी को जो है ना सूखा चारा देना है ना हरा चारा देना है, भले ही वो खाने भी लग जाए तो भी आपको उसके सामने नहीं रखना है, और केवल पानी 24 घंटे और फीड 24 घंटे उसके सामने रखी होनी चाहिए। उसके बाद 3 महीने तक आपको हर 15-15 दिन पर अपनी बछड़ी की डीवार्मिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपने प्रॉपर डीवार्मिंग नहीं की तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। 15-15 दिन पर पहले 3 महीने तक आपको डीवार्मिंग करनी है, उसके बाद जैसे ही 3 महीने की कंप्लीट होती है उसके बाद आपको उसकी हर 3 महीने पर डीवार्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 3-3 महीने पर प्रॉपर डीवार्मिंग करनी है। पहले 3 महीने से पहले हम इसकी लिक्विड से डीवार्मिंग करेंगे और 3 महीने बाद से हम इसकी गोली से डीवार्मिंग करना स्टार्ट कर देंगे। अब 3 महीने बाद से हम इसे सूखा चारा और हरा चारा थोड़ा थोड़ा रखने लग जाएंगे। इसके बाद माँ का दूध हम धीरे धीरे इसका कम करने लग जाएंगे और इसे फीड पर ज़्यादा फोकस करने देंगे। जैसे जैसे हम इसका माँ का दूध कम करेंगे इसकी भूख बढ़ती जाएगी और हम इसे फीड थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, फीड बढ़ाते जाएंगे, सूखा चारा और हरा चारा स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद डीवार्मिंग प्रॉपर करना है, साथ में बचपन से ही इसे मल्टी विटामिन्स की आदत रखनी है, मिनरल्स की आदत रखनी है, मतलब हम एक उंगली पर रख कर इसे जो है मिनरल मिक्सचर और मल्टी विटामिन्स वगैरह चाटना सिखा देंगे ताकि इसको टेस्ट लगा रहेगा। उसके बाद जैसे जैसे बछड़ी बड़ी होती जाएगी हमें मिनरल मिक्सचर देना इसे बंद नहीं करना है, बीच बीच में हम इसे कैल्शियम भी देंगे जब माँ का दूध बंद करेंगे, क्योंकि माँ के दूध से इसे कैल्शियम मिल रहा था, पर अब जब हम इसका माँ का दूध बंद कर देंगे तो इसको कैल्शियम हमें फिर ऊपर से थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, आप 5-10 ml दे सकते हैं, मतलब 1-2 दिन में एक बार ऐसे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बीच बीच में मल्टी विटामिन्स वगैरह भी दीजिए ताकि पोषक तत्वों की कमी ना रहे, और मिनरल मिक्सचर आपको बंद नहीं करना है, फीड आप अच्छे से अच्छा फीड खिलाइए जिससे बॉडी वेट जल्दी ग्रो ग्रेन करे। ये मिनरल मिक्सचर इसलिए बंद नहीं करना है क्योंकि कई बार किसान भाइयों की बछड़ियाँ बड़ी हो जाती हैं पर हिट में नहीं आ पाती, उसका रीज़न यही होता है कि मिनरल्स की कमी,
बॉडी वेट ले लिया पर मिनरल्स कम है तो प्रॉपर हिट में आएगी नहीं, एआई कराएंगे फेल होती जाएगी, इससे फिर इन्फेक्शन होगा बच्चेदानी में और हमारी जो बछड़ी है वो खराब हो जाएगी। इन सब चीजों से बचने के लिए आप प्रॉपर फीड के साथ साथ मिनरल मिक्सचर रेगुलर दीजिए, साथ साथ लीवर टॉनिक आपको जरूर से देना है। भले ही आप महीने में 10 दिन 15 दिन खिलाएं पर लीवर टॉनिक जरूर से खिलाएं, मिनरल मिक्सर तो आपको रेगुलर ही देना है। अगर इस प्रकार की आपने केयर कर ली प्रॉपर अपनी बछड़ी की खिलाई पिलाई करके, 3 क्विंटल वजन आपने यदि उसका 9 से 10 महीने में कर लिया तो आपकी बछड़ी रेगुलर मिनरल मिक्सर खाएगी तो प्रॉपर 9 से 10 महीने में हिट में आ जाएगी। 9 से 10 महीने में हिट में आने पर आप उसकी बेझिझक एआई करा दीजिए और वो कंसीव भी कर लेगी यदि आपने उसकी प्रॉपर अच्छे से केयर की होगी। और यदि 9-10 महीने में नहीं भी आती है, 12 महीने में 15 महीने में भी आती है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, ये भी कोई खराब बात नहीं है। यदि 15 महीने में भी आपकी बछड़ी हिट में आती है तो भी आप 1 साल में 1 गाय मतलब आप पीछे से खड़ी कर लेंगे और ये हमारा जो है मुनाफा हो जाएगा। इसके बाद बछड़ी जैसे ही हिट में आती है आप उसे आगे चलकर यदि अच्छा बॉडी वेट अच्छी ग्रोथ है तो आप उसको भी सेक्स्ड सीमन लगवा कर उससे भी बछड़ी ले लीजिए। वरना यदि आपको ऐसा लग रहा है कि अभी बॉडी वेट ज़्यादा अच्छा नहीं है तो आप फिर जो लोकल सीमन ही लगवाइए। इस पर हम फिर किसी बार एक वीडियो बनाएंगे कि किस प्रकार की गायों को हम जो है सेक्स्ड सीमन यूज़ करना चाहिए। तो यदि आपकी बछड़ी अच्छी है तो आप उसे सेक्स्ड सीमन लगवाइए, वरना आप एक नॉर्मल सीमन से अपनी बछड़ी की एआई कराइए और प्रॉपर केयर करिए और अपनी बछड़ी को घर पर जनाकर उसका अच्छा खासा दूध निकालिए। और जब एक किसान अपने घर की बछड़ी जनाता है तो उसकी खुशी का एक अलग ही माहौल होता है। तो किसान भाइयों, हमारी ये आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कर देना हमारी वीडियो को। लाइक कम आते हैं, प्लीज़ लाइक ज़रूर से करिए हमारी वीडियो को, मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में, टॉपिक चूज़ करने में कि रोज़ रोज़ कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। तो प्लीज़ हमारी इस मेहनत के लिए हमें लाइक ज़रूर से करना। बाकी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताना। यदि आप डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो आप सबसे पहले तो ब्रीड पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, और ब्रीड पर काम आप जब ही करिए जब आपके पास खुद अच्छी ब्रीड हो, वरना एक लोकल गाय में एक अच्छा सीमन लगवाएंगे तो आगे चलकर वो बछड़ी कोई अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी। तो इसलिए आप जब भी ब्रीड पर काम करें तो आपके पास पहले ब्रीड होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी ब्रीड पर अच्छा सीमन लगवा कर आप अच्छी बछड़ियाँ तैयार करिए और अपने फार्म पर मुनाफा पाइए। हाँ, पैसे लगते हैं बछड़ी तैयार करने में, आपको 80,000 से 1,00,000 रुपए का खर्चा तो आएगा, पर जब साल की साल वो बछड़ी आपके वहाँ 1,00,000 रुपए की हर साल जनेगी तब आपको बहुत मुनाफा देगी और आपको एक अलग ही सुकून देगी। जैसा कि अभी हम हमारे फार्म पर सारी बछड़ियों को तैयार कर रहे हैं, इनमें से 2 बछड़ियों ने जो है कंसीव कर लिया है, तो बहुत खुशी की बात हुई है कि जो बछड़ियों ने कन्फर्म किया है। अब जब ये मिल्क देंगी और उसके बाद जब हम इनका मिल्क रिकॉर्ड आप लोगों को दिखाएंगे तो आप खुद जो है यकीन करेंगे कि हाँ, ब्रीड पर काम करने में काफ़ी फायदे हैं। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और चैनल यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।